सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रेड लाइन ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है, मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। बात करेंगे हमारे गेम के साइज़ की, तो देखो उतना अच्छे से मुझे याद नहीं है, 500 MB, 400 MB, 300 MB ऐसे कुछ साइज़ होगा गेम का। जो भी साइज़ है वो प्ले स्टोर पर ही है एंड गेम में कुछ भी एडिशनली नहीं लगता, ये भी मैं आपको बता दूँ। बाकी ये एक बेसिकली रेसिंग गेम है जिसको कि आप ऑफलाइन में प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा मोबाइल डेटा वाईफाई दोनों ऑफ है, बट स्टिल मैं गेम में बिना किसी एरर के जो है इंटर कर चुका हूँ। तो हाँ, ऑफलाइन गेम है ये तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रखा गया है गेम को। गेम के ऑप्शंस की बात करूँ तो ग्राफिक्स स्लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा तक जाएगी। कंट्रोल्स का फीचर है टिल्ट एंड बटन से, नीचे म्यूज़िक है। तो ये तो सिंपल सा जो भी है वो आपको देखने को मिलेगा। शॉप में तो कोई हमारे काम की चीज़ नहीं है। यहाँ गैरेज में आपको देख सकते हैं बहुत सारी कार्स है जिनको आप कस्टमाइज़ करा गया, जैसे कि हॉट हैच में है, कुछ स्पोर्ट्स कार से, कुछ परफॉर्मेंस वाली कार से, कुछ सुपर कार से एंड कुछ हाइपर कार से। हाइपर कार्स तो बिल्कुल ऐसी होंगी, है ना, तो वो जो भी है। बाकी और यहाँ पर सिंगल का है एंड कैरियर है, तो यहाँ पर अमेच्योर है अपन, तो ये नहीं खेलेंगे हम, सिंगल में ही प्ले करेंगे। तो सिंगल में आपको गेम मोड देखने को मिल जाएंगे, रेस है, ड्रिफ्ट है, टाइम अटैक है एंड स्पीड ट्रैप है। तो हम रेस पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ पर ट्रैक्स का सिलेक्शन आ जाएगा, तो ट्रैक्स भी हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने ओपोनेंट रखना है, एक ओपोनेंट रखना है कि 5 ओपोनेंट रखना है, एक ही रखेंगे। लैप्स हम जो है 8 लैप, बहुत ही बड़ा मैच हो जाएगा 8 लैप्स में। तो मतलब ये देखो जो UI है ना वो बहुत ही एक कहें तो बिगिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी UI है। इतना इजी UI भी ठीक ठाक है, क्योंकि कोई न्यू यूज़र अगर गेम को प्ले करना चाहे ना तो उसके लिए ठीक है। यहाँ पर मैंने कार ही सिलेक्ट नहीं करी थी यार, मैं तो भूल ही गया। तो ये जो कार है 35,000 रुपये मुझे गेम के अंदर में मिले थे, 35,000 कोइंस थे। तो हाँ, ये जो कार है 35,000 की तो थी, तो मैंने पूरी स्पेंड करके यही वाली परचेस कर ली थी। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। रेसिंग ट्रैक भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और गेम में कैमरा एंगल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, उसकी मैं बात करूँगा आपसे। जैसे इस तरीके से आपको बहुत सारे सिनेमेटिक कैमरा एंगल देखने को मिलेंगे एंड गेम मतलब आपके लिए मतलब अच्छा गेम है। ऐसे अगर आप उतना ज़्यादा बस सिर्फ आपको रेस करने से मतलब है ना, देन आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको मैं कहूँ तो ये देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बैक होना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताने के चक्कर में थोड़ा सा पीछे और जाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा ट्रैक एंड देन इसी ट्रैक पर हम चलेंगे अब। तो थोड़ा सा मैं आपको लुक में दिखाने के चक्कर में ना रह गया। बाकी ये वाला थोड़ा मेरे को कैमरा एंगल, ये वाला कैमरा एंगल रेयरली ही किसी गेम में मैंने देखा होगा, क्योंकि ये ना अच्छा है यार। ये वाला कैमरा एंगल मुझे ठीक लगा, क्योंकि इसमें गाड़ी चलाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसी के साथ में यहाँ पर जो है ना मतलब ठीक ठाक है। और एक ये तो मेन तो अपना डिफ़ॉल्ट वाला है ही सही, तो मतलब अच्छा गेम है। ऐसे बेसिकली कहे ना तो बहुत ही इजी वे में अगर आपको कोई नॉर्मल सा गेम प्ले करना है ना, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं चाहिए, तो इस गेम को प्ले कर सकते हैं। सब कुछ इजी ही रखा गया है गेम के अंदर में एंड सब कुछ गेम के अंदर में ऑफलाइन में वर्क भी करता है, तो ये भी एक चीज़ है। तो इसके वजह से मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ इस गेम के रिगार्डिंग भी। एंड ये क्या है, क्या है, क्या है, शाबाश टूट गया। तो बाकी चलो कोई नहीं, ये ना यार इससे रिकॉर्डिंग करने में मज़ा आता है। ऐसा ऐसा फीचर होना चाहिए जैसा उसके अंदर में ना कार एक से ड्रिफ्ट रेसिंग में, उसमें कैसे हम खुद की पूरी रेस को कंप्लीट कर लो। ये थोड़ा सा गेम उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ, तो इसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है ये सब चीज़ें। बाकी हाँ, जैसे कार एक से ड्रिफ्ट रेसिंग में कैसा है अपना कि जब अपन उसको क्या बोलते हैं गेम रेस पूरा कर लेते, उसके बाद में रिकॉर्डिंग के थ्रू अपन देख भी सकते ना, वो फीचर इसमें रहना चाहिए था, क्योंकि इसमें लुक अच्छा आता है। वो वाला जो कैमरा एंगल है ना वो ठीक लगा मुझे। बाकी हाँ जो भी है, अरे 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 ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी पंचर हो गई मुझे लग रहा है। बाकी एक बार हम चेक करते हैं, अभी इस बार थोड़ा सा स्पीड में चलाएंगे एंड इस बार कोई हंसी मजाक नहीं, सीधे इजी गेम को प्ले करना है हमको। एंड यहाँ बहुत ही बड़ा टर्न आया है और ये मेरा ध्यान से उतर गया था टर्न। हैंड ब्रेक भी नहीं दबा पाया, क्योंकि थोड़ा वहाँ पर वो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है ना, तो इसकी वजह से वीडियो ऑफ हो जाती, तो अब ऊपर कर दिया मैंने उसको। टर्न ने तो मैंने देख लिया था कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा टर्न है, बट स्टिल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे में देखेंगे एक आधी टर्न और आएगा, उस टर्न पर हम चेक करेंगे कैसा है इसका ड्रिफ्ट मोड।
तो ये थोड़ी सी आगे है, जितना मैंने सोचा था उतना तो नहीं है, उससे ज़्यादा ही दूर है। तो हाँ ये इस तरीके से है, उतना ठीक ठीक है, हैंड ब्रेक इतना अच्छा नहीं है, बाकी चलेगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए भी थैंक यू।